हाय वोस, मैं हूँ डॉक्टर प्रेम जी आयुर्वेदिक। आज मैं इस वीडियो में आपको इस शिवलिंगी, देखिए इस शिवलिंगी पौधे के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें से जो देखिए इस पल से आपको शिवलिंगी बीज को भी निकाल कर मैं अभी दिखाएगा। तो आप इस वीडियो के बारे में जानने से पहले मेरी इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी नया वीडियो अपडेट पाने के लिए। अभी चलता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो देखिए ये शिवलिंगी बीज ऐसा रहता है, ठीक है। अभी इसमें से अपन शिवलिंगी बीज को निकालना है। ये देखने में शिवलिंग की जैसा होता है, इसलिए इसे शिवलिंगी नाम से कहा जाता है। ये पौधे को मैं दूसरी वीडियो में आपको कैसा रहता है इस पौधे मैं आपको बताकर दिखाएगा। पहले इसमें काली मैं इस वीडियो में आपको शिवलिंगी बीज कैसा रहता है इस पल से निकाल कर इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए देखिए इस शिवलिंगी बीज को ऐसा देखने में शिवलिंगी जैसा, शिवलिंग कैसा रहता है ऐसा दिखता है, देखिए ठीक है। और ऐसा नीचे देखिए, यानी ये दो तरफ से शिवलिंग जैसे ही दिखता है। देखिए उधर इधर देखिए, सेम शिवलिंगी जैसा दिखता है, इसलिए इसे शिवलिंगी पौधा कहा जाता है, ठीक है। इस बीज को और इस पौधे को यूज़ करके बहुत सारा बीमारियां को ठीक कर सकता है, जैसा कि इस पौधे की मूल यानी जड़ को और पत्ते को, फूल पल को, इस बीज को यूज़ करके बहुत सारा बीमारियों को ठीक कर सकता है। बीज को यूज़ करके स्त्री और पुरुषों की हर तरह का समस्या को दूर कर सकता है, जैसा कि स्त्रियों में गर्भाशय की समस्या है, उस गर्भाशय को समस्या की दूर करके गर्भ को लाने में ये बहुत मदद करता है। और जो पुरुषों में सीमेन की यानी कि स्पर्म काउंट की समस्या है, वो इस पौधे को यूज़ करने से स्पर्म काउंट भी बढ़ जाता है और स्टैमिना भी बढ़ जाता है। पौधे को यूज़ करके बहुत लाभ मिल सकता है। और इस पौधे को यूज़ करके कौन सा बीमारियों में कैसा इसे यूज़ करना है मैं अलग अलग वीडियोस बनाकर आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी नया वीडियो अपडेट पाने के लिए। आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।